नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। जगदलपुर शहर की कोतवाली पुलिस ने 1,00,000 रुपए से अधिक का गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस को ओडिशा की ओर से 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल बजाज पल्सर क्रमांक CG04CT7383 में गांजा रखकर परिवहन करने की सूचना लगी थी। मुखबिर की सूचना पर फॉरेस्ट नाका के पास ग्राम आसाना में नाकाबंदी कर संदिग्ध युवकों को रोककर पूछताछ की। आरोपी युवकों के पास से प्लास्टिक बोरी में मादक पदार्थ गांजा मौके से बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी शरद कुमार सोनी, पिता स्वर्गीय त्रिवेणी प्रसाद सोनी उम्र 19 साल निवासी रायपुर व आनंद कुमार, पिता महेंद्र कुमार उम्र 19 साल निवासी इलाहाबाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक सफ़ेद रंग की प्लास्टिक बोरी में भरे 21.650 किलोग्राम जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 20 NDPASS एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। जगदलपुर रिपोर्ट, मोहम्मद अल्ताफ। ओके, मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति उड़ीसा की ओर से रायपुर की ओर जो है मोटरसाइकिल में गांजा का परिवहन कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमएन साहू के नेतृत्व में रेड कार्रवाई और एमसीपी के लिए टीम रवाना की गई थी। और इस टीम के द्वारा ग्राम आसना में चेक पोस्ट लगाकर जो है संदिग्ध गाड़ी की चेकिंग की गई और इस गाड़ी में जो है 2 संदिग्ध व्यक्ति मिले और जिनके कब्जे से एक बैग में जो है करीब 22 किलोग्राम अवैध गांजा का परिवहन करना पाया गया। और इसमें जो 2 संदेही मिले हैं, शरद सोनी जो रायपुर के निवासी हैं और आनंद कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इन दोनों के कब्जे से जो है 22 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है, बरामद किया गया है और उन्हें धारा 20B NDPS एक्ट के तहत इस मामले में करीब 22 किलोग्राम अवैध गांजा और पल्सर मोटरसाइकिल जो है जब्त किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों को 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जो है शीघ्र ही जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है और जब्त शुदा गांजे की जो अनुमानित कीमत है करीब 1,10,000 रुपये आंकी गई है।